सुजानपुर के साथ लगते गांव बीर बघेड़ा में आज 140 बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई गई, जिसमें जंगल बैरी के मेडिकल ऑफिसर सुरेंद्र सिंह डोगरा के द्वारा अहम भूमिका निभाते हुए बच्चों को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन लगाने के प्रति प्रेरणा दी और बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के उपरांत मास्क लगाने का भी आग्रह किया गया। मेडिकल ऑफिसर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि समय पर हाथ धोते रहें और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारी के फैलने का डर कम हो। उन्होंने बताया कि कोरोना की जंग जीतने के लिए बच्चों का काफी सहयोग पहले उन्हें मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि पोस्टर बनाकर और स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक करने में बच्चों ने अहम भूमिका अदा की थी, जिस कारण ही लोग जागरूक हो सके थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि खुद लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन केंद्र तक लाकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह डोगरा के अलावा स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीड़ बगेड़ा में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, और जिसमें लगभग 130 से 140 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसी दौरान हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम रखा, जिसकी अध्यक्षता मैंने खुद की, और स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एजुकेटर सुनील रांगड़ा जी, FHS शक्ति चौहान, FHW श्रीमती विद्या देवी, हमारे ICTC इंचार्ज अनिल चंद, हमारे STS हरजिंदर जी और डॉक्टर सुमित राणा, नर्सिंग ऑफिसर तृप्ता देवी, इन सभी सदस्यों ने साथ में मिलकर इन बच्चों को किशोरावस्था की होने वाली बीमारियों और होने वाले कुपोषण रोगों और इनसे अवगत करवाया। साथ में ही हमने ये भी मोटिवेशन दी कि बच्चों को वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है और बच्चे इस वैक्सीनेशन को बड़ी उत्सुकता के साथ लगाएं और उनको उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारा सहयोग करें, डरें ना। कोविन वैक्सीन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है, ओमिक्रॉन की इस तीसरी लहर में हमें फ़ायदा देने वाली है, और इसके लिए हमने उन बच्चों को उनका मनोबल बढ़ाया और साथ में ही सरकार की सुविधाओं से अवगत करवाया और साथ में उन्हें ये बताया कि ये डोज जो है वो 28 दिन बाद दोबारा लगेगी और दो डोजों के साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पूरी होगी। इसके चलते हम हिमाचल सरकार का और देश की सरकार का दोनों का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।